हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और अभी मैं बनाऊंगी कुछ डिफरेंट। क्या है बताती हूँ। पेठा होता है यानी जिसकी सब्जी भी बनती है, जिसकी मिठाई भी बनती है। आज मैं उसका हलवा बनाऊंगी। तो मिठाई जो बनती है वो वाइट पेठा होता है, और सब्जी जो बनती है वो ग्रीन पेठा और येलो पेठा होता है। उसको कद्दू भी बोलते हैं, सीताफल भी बोलते हैं। और जो पीले वाला जो पेठा होता है उसकी खट्टी मीठी सब्जी बनती है। तो उसका मैं बनाऊंगी आज पेठे का हलवा। सुना है? चलो देख लेते हैं आज। और पूरी वीडियो में जुड़े रहना, पूरी वीडियो ध्यान से देखना। अगर ध्यान से देखोगे पूरा अच्छे से समझ में आएगा, और बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत डिलीशियस बनता है। और हाँ, थोड़ी मेहनत तो है। देखो, मेहनत करोगे तो उसका फल भी तो अच्छा मिलेगा ना। तो चलो बनाते हैं अपना पेठे का हलवा। ट्राई जरूर करना, बहुत टेस्टी बनता है। चलो, हलवे बहुत खाए होंगे लेकिन पेठे का हलवा पहली बार खाओगे, तो वो बनाना तो बनता है। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी बनता है। और ये जो है ये पेठा है, ये देखो, ये बिल्कुल पका हुआ पेठा है, येलो पेठा है। इसका मैं हलवा बनाऊंगी। कैसे बनेगा वो सारा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। गैस हमने ऑन कर ली है और इस पे हमने ये कढ़ाई रख दिया। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। और पेठे को ऐसे कद्दूकस करना है। ये इसमें से जो ये बारीक वाला होता है, सबसे बारीक नहीं, बीच वाला जो होता है, यानी ये मोटा पार्ट है, ये बहुत बारीक है, और ये मीडियम है। इसमें से हमने इसको कद्दूकस कर लेना है ऐसे। जब तक ये घी गर्म होता है मैं इसको कस लेती हूँ। ये हमारा हो गया है रेडी। और ये हमने मीडियम आंच पे पकाना है। और ये जो पेठा है वो लगभग 300 ग्राम है। अब यहाँ पे 2 चम्मच घी और डाल देंगे। अब ये लगभग हमारा भुन चुका है, यानी जो सीताफल है उसने घी को सेपरेट करना शुरू कर दिया है। और एक इसमें से ना बहुत अच्छा सा, जो भुन कोई भी चीज़ जब भूनते हैं तो उसका एक अरोमा आता है ना, वो अरोमा इसमें से आना शुरू हो गया है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने दूध डालना है। तो जितना हमारा पेठा था यानी सीताफल था, उतना ही हमने इसमें दूध डालना है। और अब इसको भी बहुत अच्छे से पकाना है। अब इसका जो दूध है वो लगभग हाफ हो गया है। तो अब यहाँ पे हमने
चीनी डाल देनी है, और चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। मैं अपनी फैमिली के टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डालूंगी। और ये जब आप पका रहे हो तो आप ध्यान से पकाना, क्योंकि इसमें से ना छींटे बहुत निकलती है और वो हाथ को जला देंगी। तो इसमें चीनी डाल देती हूँ। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी इलायची पाउडर। अब यहीं डाल देंगे ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट आप कोई भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे काजू और किशमिश ले रही हूँ। और यहाँ पे मैंने फ्लेम फुल कर रखी है। हमारा रेडी, यानी जब कढ़ाई से हलवा अलग होने लगे यानी घी छोड़ने लगे, तब हम इसको गैस को बंद कर देंगे। यानी हमारा हलवा जो है वो पक गया है। अब गैस मैंने बंद कर दी है। अब इसमें डाल देंगे जो नारियल का बुरादा होता है वो। अब यहाँ पे एक कच्चा नारियल होता है, एक जो गोला होता है ना जो हम हलवे वगैरह में डालते हैं वो। अब ये मैंने कस के कद्दूकस करके मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। तो अब हमने ये डालना है, तो ये डालूंगी मैं 4 चम्मच। और ये छोटी चम्मच है, बड़ी चम्मच नहीं है। अब इसको मिक्स करना है। तो ये हलवा हो गया हमारा रेडी, और इसको ठंडा करके भी खा सकते हैं और गरम गरम भी खा सकते हैं। ये बहुत डिलीशियस बनता है। जितना देखने में खूबसूरत है ना, उतना ही खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी हलवा बना है। और इसको बनाने में, यानी जो 300 ग्राम सीताफल मैंने लिया था उसको बनाने में मेरे को लगभग 15 मिनट लग गई हैं। थोड़ी सी मेहनत तो है, पर यार कुछ अच्छा खाना है तो मेहनत तो करनी बनती है। तो मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक क्या करना है, खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। चिल देन, टेक केयर, बाय।